करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की, जो कि आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज बिलासपुर दौरा रहेगा। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रायपुर के लिए राहुल गांधी रवाना हो जाएंगे और यहां रायपुर से बाय रोड बिलासपुर पहुंचेंगे। तो आवास न्याय सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी और करीब 7 लाख लोगों को आज आवास के लिए राहुल गांधी राशि जारी करेंगे। इसके साथ ही 185 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी आज किया जाएगा। चुनाव से पहले राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा काफी महत्वपूर्ण है। तो राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा, बिलासपुर आज वो पहुंचेंगे, लेकिन बता दें आपको कि कांग्रेस इस वक्त छत्तीसगढ़ में ही सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है और 2023 के चुनावों में एक बार फिर से वो 2018 की जीत को दोहराना चाहती है। इसीलिए राहुल गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ पहुंची थी। राहुल गांधी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा, लेकिन आज बिलासपुर दौरा राहुल गांधी का काफी महत्वपूर्ण है। बिलासपुर संभाग में 5 जिले आते हैं और विधानसभा की 24 सीटें हैं। पिछले चुनाव में यहां पार्टी को अच्छा परिणाम यहां से मिला था, इस संभाग से मिला था। बिलासपुर दौरा राहुल गांधी का काफी महत्वपूर्ण है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चुनाव परिणाम 2018 की अगर बात करें तो 24 विधानसभा सीटों में से 13 कांग्रेस को मिली थी। हालांकि बिलासपुर संभाग ऐसा था जहां बीजेपी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, हालांकि कांग्रेस ने जरूर से मात दी थी। 7 सीटें बीजेपी ने यहां अपने पाले में की थी और 13 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन 5 जिले 24 विधानसभा सीटें और बिलासपुर का दौरा काफी महत्वपूर्ण। आपको दिखाते हैं, हमारे साथ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं बिलासपुर से, सीधे उनका रुख करते हैं। मुश्ताक, क्या कुछ तस्वीरें राहुल गांधी के दौरे को लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही है, मंच की भी जरा तस्वीरें दिखाइएगा और कितना उत्साह पार्टी कार्यकर्ताओं में? हेलो, बात करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन काफी महत्वपूर्ण दौरा राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ में। राहुल गांधी एक बार फिर से पहुंच रहे हैं और सियासी समीकरण के लिहाज से तो राहुल गांधी का दौरा महत्वपूर्ण हो ही जाता है, लेकिन इस हिसाब से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है। 2018 में काफी अच्छे परिणाम पार्टी को यहां से मिले थे, बीजेपी को करारी मात का सामना करना पड़ा था छत्तीसगढ़ में। ऐसे में 2018 की जीत दोहराने के लिए जरूरी है कि रणनीति में भी बदलाव किया जाए और राहुल गांधी यहां पर एक बार फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लेकिन बीजेपी की जो सीटें हैं उसमें सेंध लगाने का भी प्रयास किया जाएगा। तो सुबह 9 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी पहुंच जाएंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता दें 11:45 पर सड़क मार्ग से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3:30 बजे तक बिलासपुर में कार्यक्रम में वो भाग लेंगे और उसके बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। संवाददाता मुश्ताक कुरैशी हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम स्थल से लाइव जुड़ गए हैं। मुश्ताक, तस्वीरें किस तरह की दिखाइएगा और आपके पीछे मंच देख पा रहे हैं, पूरी तरह से सजकर तैयार है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर, और कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि 2018 में जो जीत छत्तीसगढ़ में उन्होंने हासिल की थी उसी जीत को 2023 में भी बनाए रखा जाए। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त बिलासपुर के उसी सभा स्थल पर हूँ जहाँ पर कुछ ही देर में राहुल गांधी पहुँचेंगे और कार्यक्रम की बात करें तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास सम्मेलन इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है, जहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को कांग्रेस जो है देने जा रही है ग्रामीण आवास के रूप में। लगातार प्रदेश में आवास योजना को लेकर के सियासत रही है, ऐसे में कांग्रेस इस योजना से प्रदेश की जनता के साथ साथ बिलासपुर संभाग के जो 25 सीटें हैं उसको कहीं ना कहीं अपनी ओर मोड़ना चाहती है। और बात करें राजनीतिक समीकरण की, तो
बिलासपुर संभाग ही ऐसा संभाग था जो पिछले चुनाव में भाजपा के लिए अन्य संभाग के मुकाबले बेहतर था। कुल जीती 15 में से 7 सीटें भाजपा ने इसी संभाग से जीती थी। ऐसे में कांग्रेस बिलासपुर संभाग की 25 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा जीत दर्ज करना चाहती है। और आपको ये भी बता दूं कि कुछ ही दिन बाद यानी 30 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन भी बिलासपुर में होना है। और इस समापन में नरेंद्र मोदी पहुँचने वाले हैं प्रधानमंत्री, और उनके पहुँचने से पहले राहुल गांधी का यह सम्मेलन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा आयोजन है। और साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ पर राहुल गांधी पहुँच के चार्ज करना चाहेंगे। और करीब 500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी इसी मंच से भूपेश बघेल जो है प्रदेश की जनता को देने वाले हैं। अब इंतजार है कि जल्द से जल्द जो राहुल गांधी है वो पहुंचे। तैयारियां आप देख सकते हैं यहां पर बड़े स्तर पर की जा चुकी हैं। मंच जो है वो तैयार हो चुका है। इसी मंच पे राहुल गांधी समेत प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। साथ ही जो कार्यकर्ता यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए बारिश की संभावना को देखते हुए वाटरप्रूफ डोम यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार है कि जल्द से जल्द राहुल गांधी पहुंचे और सम्मेलन में शामिल हो। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका मुश्ताक। तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, तो राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिलासपुर संभाग जहां बीजेपी के लिए काफी मायने रखता है, तो कांग्रेस के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग संभागों की अगर बात करें तो यहाँ 2018 में कांग्रेस को एक कह सकते हैं कि बंपर जीत मिली थी, लेकिन बिलासपुर इकलौता ऐसा संभाग था जहां बीजेपी ने भी सीटों में सेंध लगाने का प्रयास किया था और यहां 7 सीटें बीजेपी अपने खाते में करने में कामयाब हुई थी। इसीलिए इस बार कोशिश कांग्रेस की रहेगी राहुल गांधी के इस दौरे के दौरान कि बीजेपी की सीटों में सेंध लगाया जाए।